Like a hell cut. गुड आई एम सी फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार शर्मा, वेलकम है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, IMC बिजनेस के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जो कि IMC की नींव है, हमारी IMC की श्री तुलसी, जिसका बहुत ही डिमांड है पूरे भारतवर्ष में। दोस्तों, हम सबको पता है कि हम किसी भी नए बंदे या किसी भी मीटिंग में इस श्री तुलसी का अगर हम डेमो करते हैं तो हमारे डेमो करने का एक ही तरीका है और वो है थर्माकोल, जिसको हम बोलते हैं कि ये थर्माकोल है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बिल्कुल हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है हमारे ब्लड में, हमारे जहाँ भी बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसकी जो साइंटिफिक जो नेचर है बिल्कुल इस कोलेस्ट्रॉल और इस थर्माकोल का नेचर बिल्कुल सेम है। एकदम सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। हम किसी को भी डेमो देते हैं तो उसको ऐसे बताते हैं कि आपने इसमें पानी डाला, उसके बाद इस तुलसी को डालेंगे तो तुलसी इसके अंदर छेद कर देगी और इसी तरह से हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है तुलसी इसको काट देता है। दोस्तों, एक महीने पहले मैंने भी एक बंदे को, कोई न्यू एसोसिएट थे, मैं भी उनको ऐसे ही डेमो कर रहा था कि मुझे एक सज्जन पुरुष मिले और उनको मैं इसी तुलसी का डेमो बता रहा था कि सर ये हमारी तुलसी है, 200 बीमारी में लाभदायक है और ये हमारी बॉडी सबसे अच्छा जो काम है इसका, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ब्रेक करती है यानी कि काटती है। मैंने उनको डेमो दिखाया, वो सब दिखाने के बाद बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई ये है क्या, आपने बताया कि थर्माकोल है, इसका पूरा नाम थर्मा कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन आपको पता है आखिर है क्या। मैंने बोला ये थर्माकोल है भाई, लेकिन बंदे ने बोला भैया ये थर्माकोल नहीं है, आपको जिसने भी नॉलेज दी है नॉलेज गलत है, ये थर्माकोल नहीं है। एक्चुअली ये थर्माकोल नहीं है, इसका नाम जो है वो उसकी जो नेचर, ये जो उसका मेड है या जिससे बना है, इसको हम बोलते हैं पॉलीस्टायरीन। ये थर्माकोल नहीं है दोस्त, इसका नाम है पॉलीस्टायरीन। जब मैंने उस सज्जन पुरुष की बात सुनी, गूगल पे जाके, सबसे पहले मैं गूगल पे जाके स्टडी किया तो मुझे एक ही चीज़ पता चली दोस्त कि ये थर्माकोल वाकई थर्माकोल नहीं है, ये पॉलीस्टायरीन है। उसके बाद जब मैंने इस चीज़ को देखा समझा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यार ये सही बात तो सही है, थर्माकोल कुछ और है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि थर्माकोल होता क्या है। ये है अपना थर्माकोल, इस आप जानते होंगे आज हर स्टेशनरी की शॉप पे ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसको हम बोलते भी है भैया थर्माकोल देना दुकान पे जाके दोस्त। एक्चुअली में थर्माकोल तो ये है, मुझे भी उस दिन एक महीने पहले पता चला कि ये थर्माकोल है और इसका जो बनावट है इसको अपन कोलेस्ट्रॉल की तरह एज अ बिहेव इसको हम बता सकते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल है। दोस्तों, मैंने थर्माकोल का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और मैं इसको, ये गर्म पानी भी मैंने गिलास में ले लिया है। अब मैं थर्माकोल को, ये अभी तक इसमें मैंने तुलसी ऐड नहीं किया है, ये बिल्कुल ऐसे गर्म पानी है, नॉर्मल गर्म पानी है और इसमें मैंने, आप देखना, ये थर्माकोल का मैंने छोटा टुकड़ा डाल दिया है और मैंने इसको पानी में मैं डुबो देता हूँ। ये मैंने पानी में डुबो दिया ताकि इसके साथ पानी अटैच हो जाए। अब मैं, जैसे हम डेमो करते हैं तुलसी का, वैसे मैं डेमो करूँगा इसका। पहले अपन पहले दिन की चार, एक दिन का पहले दिन का चार बूंद अपन डोज डालते हैं। ये मैंने चार बूंद डाला पानी के इसके अंदर और आप देख सकते हैं इसका, आप देखना अभी धीरे धीरे काटेगा इसको ये। एक बार आपको मैं दिखाता हूँ अभी। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे इसको काट रहा है अब, क्योंकि ये बहुत इसका जो, अब क्योंकि दोस्तों इसका थिकनेस थोड़ा मोटा है, ज़्यादा साइज मोटा है इसका, इसलिए अपन ये एक बार में ही डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन आप दूसरे दिन का भी आप डोज डाल के देखना है इसमें। और दूसरे दिन का भी मैंने डोज डाल दिया है इसके अंदर, इसके अंदर वापस आप इसको मिलाइए। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और ये वैक्स के फॉर्म में बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है वो बिल्कुल वैक्स के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि वो चिपका रहता है हमारे नली में, नसों में ब्लॉकेज हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल वैक्स के फॉर्म में होता है। अब मैं इसको, आप देखना ये धीरे धीरे बिल्कुल वैक्स के फॉर्म में ही कन्वर्ट बदल जाएगा। और ये पैन के, जो पैन जिससे मैं इस पानी को हिला रहा हूँ,
ये इसकी चिपक जाएगा धीरे धीरे। आप देख सकते हैं क्योंकि ये वैक्स है पूरा, आप देख सकते हैं ये देखिए आप, ये चिपक रहा है इसके, ये बिल्कुल वैक्स है दोस्त। अब मैं इसको धीरे पूरा इसको करके पानी में डाल के ये बिल्कुल आपको इसको वैक्स फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देगा। देख सकते हैं दोस्त ये जब हमने इसका साइज लिया था तो क्या था, और आप भी देखिए इसका साइज क्या हो गया है। आप देख सकते हैं देखिए ये बिल्कुल वैक्स के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये एक वैक्स बन गया है, ये मेरे हाथों की चिपक भी रहा है और ये बिल्कुल वैक्स के फॉर्म में ही पूरा। हमने टुकड़ा कितना लिया था, हमने कम से कम इतना टुकड़ा इसका लिया था और अब ये कितना रह गया आप देख सकते हैं। तो दोस्त ये आप डेमो दीजिए लोगों को, क्योंकि ये ही डेमो अगर आप लोगों को देंगे तो आप, क्योंकि ये थर्माकोल है, हर आदमी की सोच एक तरह की नहीं होती। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो नया तुलसी का जो वीडियो है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विचार आया भी होगा कि क्या पता ये तो है तो बॉल्स के फॉर्म में ही, क्या पता पानी में गल, पानी के थ्रू ये गल गया हो, तुलसी का कोई काम ही नहीं आया। तो मैं आपको इसको बिना पानी के भी तुलसी डाल के आपको मैं दिखाता हूँ कि यह बिना तुलसी के भी क्या इसको, बिना पानी के क्या तुलसी इसको काट सकती है। तो मैं आपके सामने आपको दिखाता हूँ, अब आपके सामने मैं ये तुलसी डाल रहा हूँ, चार बूंद, पांच बूंद मैंने डाली है और इसको मैं फैला देता हूँ चारों तरफ। आप देख सकते हैं जैसा थर्माकोल है वैसे का वैसा ही अभी तक है। तो आशा करता हूँ आपकी आज की जो ये वीडियो है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। दोस्त ये जो नया डेमो है तुलसी का, आप अपनी टीम में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अगर ऐसे सज्जन पुरुष जैसे मुझे मिले थे एक महीने पहले, अगर उनको भी मिले तो उनके पास इनके सवाल का जवाब हो। तो दोस्त आशा करता हूँ एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। तो आज के लिए दोस्तों गुड एम सी, टेक केयर।